हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ अभी लंच, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। आज लंच में मैं बनाऊँगी पनीर मसाला, तो उसी के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी और इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पनीर के क्यूब्स। इन्हें मैंने ऐसे ही कट कर लिए हैं, आप जिस भी शेप में काटना चाहें, छोटे बड़े काट सकते हैं। और इन्हें मैं अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। वैसे मेरी आदत है कि मैं पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, मीन्स कलर भी चेंज नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ डालती हूँ और कुछ सेकंड में ही इन्हें निकाल लेती हूँ, लेकिन आज मैं इन्हें थोड़ा सा डार्क फ्राई करूँगी। मैंने सोचा चलो आज ऐसे देखते हैं कि कैसे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर जो है पनीर आप देख सकते हैं हल्के हल्के से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो बस अब इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। पनीर को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब यहाँ पर मैं करूँगी मसाले की तैयारी। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसमें एक प्याज ऐड कर दी है रफली चॉप करके, और दो टमाटर ऐड कर दिए हैं, ये मीडियम साइज के टमाटर थे। और साथ में इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी इसका पेस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी ऐड कर दूँगी, और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। तो बस अब इन सबका मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ, इससे जो है पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो डालें, वरना ना डालें। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 चम्मच जीरा, और उसके बाद कुछ खड़े मसाले डालूँगी। तो इसमें मैंने डाला है 2 से 3 तेज़पत्ते, 2 से 3 लौंग, और 3-4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 हरी इलायची। तो उसके बाद अब इसमें मैंने डाल दिया है जो पेस्ट मैंने तैयार किया था टमाटर और प्याज का। तो इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद ही इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। और यहाँ जार में थोड़ा सा रह गया था तो मैंने पानी ऐड करके डाल दिया है उसे। तो यहाँ पर प्याज को जो है मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसमें मैं सारे सूखे मसाले ऐड करूँगी, वही बेसिक मसाले। तो सबसे पहले डालूँगी धनिया पाउडर, मैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी। उसके बाद डालूँगी रेड चिली पाउडर, और फिर डाल दूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ में इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो ना डालें। और यहाँ पर मैंने डाली है 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे हाथों में क्रश करके मैंने ऐड किया है। इससे जो है पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, तो ज़रूर ऐड करें इसे। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच फ्रेश मलाई, आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मलाई ऐड कर रही हूँ। और बस इसे अच्छे से मिक्स करके मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पनीर और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, आपको ग्रेवी थिक रखनी है या पतली रखनी है।
तो मैं जो है नॉर्मल ग्रेवी रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और बस अब इसे बॉईल होने दूँगी। तो सब्जी जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। आपको अभी ग्रेवी देखने में थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन ये बाद में ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो हमारी पनीर मसाला बनकर तैयार है और आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और बस साथ ही साथ मैं रोटियां भी सेक लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्राइडे है और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। कुछ टाइम पहले ही मैंने लंच बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मैंने आज बनाई थी पनीर मसाला और साथ में बनाई थी चपाती, तो शेयर भी किया था मैंने आपके साथ, क्योंकि अभी जो है काफ़ी बोरिंग सब्जी आ रही है, मीन्स हरी सब्जियाँ आ रही हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन वही तोरई, लौकी, कद्दू, भिंडी, यही यही सब्जी आ रही है। तो वही खा खा के मेरा दिमाग तो ख़राब हो गया है। मैं वैसे भी खाने में काफ़ी नखरे करती हूँ और ये सब्जियाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ी थोड़ी ही सब्जी खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब ये सब्जी आ रही है तो खाना भी पड़ेगा, डेली भी क्या बनाएं। और मेरे साथ तो यही है, आप लोगों का भी यही हाल है क्या, बताइएगा ज़रूर। और मैं जो है, मेरा लंच हो चुका है और अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है। वो क्या है, मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं गई थी मेले, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, जो भी मुझे रीजनेबल रेट में लगा और जो मुझे ठीक लगा मेले के हिसाब से मैंने ले लिया, क्योंकि मेले में सिर्फ मैं जो मुझे आइटम ठीक लगते हैं और मुझे लगते हैं कि किफ़ायती है, इनकी रेंज सही है, तो बस वही चीज़ मैं लेती हूँ। तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ क्यों ना उसे शेयर किया जाए, तो बस वही लेके मैं बैठ गई हूँ। तो दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी वहाँ से। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं, जो ये मैंने लिए हैं ग्रीन कलर के लटकन, मेरी एक ग्रीन कलर की साड़ी है, अभी वो ऐसे ही रखी हुई है, मैंने उसको जो है अभी उसका ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं बनवाया, रेडी नहीं करवाया उसे, तो ये उसमें परफेक्ट मैच हो जाएंगे। तो ब्लाउज में लगाने के लिए मैंने ये लटकन ली है और एक मैंने इस कलर की ली है, ये भी ग्रीनी कलर की है, क्योंकि ये मेरी साड़ी ऑलरेडी जो है रेडी है लेकिन उसमें लटकन नहीं लगी हुई है। तो ये हल्का ग्रीन कलर है और ये डार्क ग्रीन कलर है, तो मैंने दोनों जो है एक एक ले ली, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी, ओनली 20-20 रुपीज़ की थी, तो मुझे ठीक लगी तो मैंने ले लिया। और वहाँ से मैं लाई हूँ अपने लिए दो हैंकी, एक ये ग्रीन कलर का है, एक ये ब्लू कलर का है, इसमें जो है फ्लावर बने हुए हैं। तो मैं सोच रही थी पिंक ले लूँ, लेकिन पिंक मेरे पास काफ़ी हैं, तो मैंने इस बार जो है डिफरेंट कलर लिए हैं, और ये दोनों ओनली 10-10 रुपीज़ के हैं। ये मैंने लिया है एक क्लेचर, और सेम ऐसा क्लेचर मैं अभी लाई थी इससे पहले, तो वो टूट चुका है, तो मैंने दूसरा ले लिया। एक मैंने लिया है ये छोटा वाला, तो ये क्लेचर लिया है, और मैं लाई हूँ वहाँ से एक ये हेयर पिन, ये एक्चुअली मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ली है क्योंकि वो यूज करती हैं। तो मैं दिखाती हूँ इसको ओपन करके, इस तरह से ये है, मल्टी कलर है, तो ये वो किसी भी साड़ी पर लगा सकती हैं, तो इसीलिए एक मैंने ये ली है उनके लिए। एक ये लिया मैंने 10 रुपीज़ की, ये कान साफ करने के लिए, और एक लाई हूँ ये वाटर बॉटल, ओनली 10 रुपीज़ की है ये। एक दो कंटेनर भी लिए हैं मैंने, तो एक कंटेनर ये लिया है मैंने ऐसे ही नॉर्मल वे में, पता नहीं मुझे क्यों, कुछ भी किचन के आइटम दिखते हैं, कंटेनर वगैरह दिखते हैं, तो मैं सोचती हूँ ले लो, चाहे इसका यूज हो चाहे नहीं हो, लेकिन बस पता नहीं क्यों मुझे किचन की शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने एक ये लिया है, तो इस तरह से ये ओपन होगा,
ये लिया है और ओनली ये 10 रुपीज़ का है और इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी। 10 रुपीज़ में और क्या चाहिए होता है। मैंने 2 छोटे छोटे कंटेनर और लिए हैं, एक मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का और इसकी क्वालिटी मैं बोल सकती हूँ कि अच्छी है। और ये भी 10 रुपीज़ का है ओनली, और इसमें गोल वाले भी थे और इस तरह से भी थे, लेकिन गोल वाले जो है मैं पहले लेके आ चुकी हूँ तो इसलिए मैंने इस बार ऐसा ले लिया। लिया है ये, इसी का सेम छोटा वाला मेरे पास अभी है, मैं यूज कर रही हूँ उसे और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये जो है मुझे 20 रुपीज़ का मिला है और सिलाई हूँ 2 बाउल। मैंने बोला ना मुझे किचन के आइटम दिखते हैं, देती हूँ लाके एक साइड, मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं क्या क्या लेके आई थी, लेकिन बस मुझे किचन की शॉपिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मैंने 2 बाउल ली हैं, मैंने अलग अलग कलर की ले ली, सेम नहीं ली हैं, अंदर वाइट है और बाहर ये कलर है ये, तो मैंने अलग अलग कलर की ली हैं और इनकी प्राइस ओनली 10 रुपीज़ है। तो मैंने ले ली, जो भी मुझे किफ़ायती रेट में मिलता है सो मैं ले लेती हूँ। वहाँ से ये मेरे हस्बैंड ने लिया है एक हैंग करने के लिए, आप इसको कहीं भी लगा लो बॉल पर और कुछ भी हैंग कर सकते हैं, ये मेरी कुर्ती से मैच हो रहा है। यही छोटा मोटा सामान लिया है और बस एक चीज़ और ली है, वो है बैग। मैंने आप लोगों से बोला ही था कि मैंने एक बैग लिया है, तो ये है वो बैग, पीछे से इस तरह से है और इसमें भी जो है 2 पॉकेट दी हुई हैं, ये 2 पॉकेट दी हुई हैं, आगे भी एक पॉकेट दी हुई है, ये पॉकेट दी हुई है और बस ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है। ये मैंने ऐसे ही नॉर्मली डेली के लिए लिया है, इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी कम थी, मुझे लेना नहीं था क्योंकि मेरे पास काफ़ी बैग हैं, लेकिन मुझे ये सही लगा और इसकी कॉस्ट ओनली 200 रुपीज़ थी तो मैंने एक ले लिया। तो कैसा है बताइएगा ज़रूर। तो इतनी ही शॉपिंग मैंने मेले से की है और मेरी सोच ये है कि अगर कहीं पर कुछ बचत हो रही है या कोई चीज़ हमें किफ़ायती रेट में मिल रही है तो लेने में क्या बुराई है, क्योंकि बचत करना कोई बुरी बात नहीं है और मेरे हिसाब से तो बचत करनी भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम ही बचत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं जो है शादी के बाद काफ़ी चेंज हो गई हूँ और शादी से पहले मेरी ये सोच थी कि मम्मी पापा ने पैसे दिए, पॉकेट मनी दिए, मैं पूरी उड़ा देती थी खाने पीने में, ये सोचती थी क्या करना है जोड़ कर, किसके लिए जोड़ना है, तो बस खाया पिया और उड़ा दिया। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा जो है पैसे की वैल्यू समझ में आई है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बचत तो लाइफ में ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमें अपने खर्चों से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मेरी सोच तो यही है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे जो है कुछ काम करना है, मीन्स मेरी मलाई काफ़ी दिन की रखी हुई है तो मैंने सोचा चलो आज मैं उसका घी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ किस तरह से मैं घी बनाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर सभी एक ही तरह से बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बना ही रही हूँ तो शेयर भी कर देती हूँ। तो बस सबसे पहले जो है यहाँ पर ये है मलाई, इसमें मैं स्टोर करती हूँ और ये 8 दिन की मलाई है। तो अभी मैं इसका घी बनाऊंगी और इसे मैं थोड़े टाइम के लिए रख देती हूँ ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अभी जो है गर्मी का टाइम चल रहा है तो मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी और वैसे जो सर्दियाँ चलती हैं तो मैं इसमें नॉर्मल पानी ऐड कर देती हूँ, मक्खन अच्छे से बन जाता है। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर आप जो सामान देख रहे हैं ये मेरी मम्मी ने भेजा था तो मैं अभी इसे इसकी जगह पर रखूँगी। तो चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये मेरी मम्मी ने भेजे थे बिस्किट, ये नमकीन वाले बिस्किट हैं जीरा वाले जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो अपने लिए लेने गई होंगी तो मेरे लिए भी ले आई। और साथ में वो लाई हैं ये मटरी, ये रेडीमेड मटरी हैं, घर पर नहीं बनाई हैं उन्होंने, मुझे अच्छी लगती है मटरी खाना, एक ये पैकेट लेके आई हैं वो। और उन्होंने भेजी हैं मुझे ये बड़ी, जो मूंग दाल की बड़ी बनती हैं वो हैं ये, और उन पर ये कंटेनर खाली हो गया होगा ग्लूकोज वाला तो उन्होंने इसी में भर के भेज दी हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बड़ी होती है दाल की ये मेरी मम्मी खुद ही घर पर बनाती हैं, क्योंकि मार्केट की लेके देख ली अच्छी नहीं लगती हैं तो वो जब भी बनाती हैं तो मुझे भी भेज देती हैं, और इंदौर में मेरी सिस्टर रहती हैं तो उनके लिए भी भेज देती हैं, अगर जब भी मेरा भाई जाता है या वो ग्वालियर आती हैं तो उनको दे देती हैं। सो ये दी हैं तो मैं अभी इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये जार, इसमें मैं लस्सी वगैरह बनाती हूँ
तो इसी में इसको जो है मैं दो बार मैं निकाल लूंगी, क्योंकि एक बार में नहीं निकल पाएगा, ज़्यादा है मलाई। तो मैं दो बार में मक्खन बनाऊंगी, तो आधी मलाई को अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और बहुत से लोग जो है वो पहले मलाई में दही डाल के रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, उसके बाद उसका मक्खन बनाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सीधे डायरेक्ट मलाई से मक्खन बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने आधी मलाई निकाल ली है, और कौन कौन इस तरह से मक्खन बनाता है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस अभी मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडा पानी है। इसे मैंने जो है अभी 1-2 घंटे पहले बोतल को फ्रीजर में डाल दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, गर्मी काफ़ी चल रही है तो इसीलिए ठंडा पानी ज़रूरी है, तभी मक्खन अच्छे से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो बस इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, और बस अब इसे मिक्सर जार में चला लूंगी। पर ये आप देख सकते हैं मक्खन अच्छे से निकल चुका है, तो बस अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है, पहले मैंने आधी मलाई का निकाला था, और अभी आप देख सकते हैं ये आधी मलाई का है, और बीच में पानी कम लगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैं मक्खन को निकाल लूँगी, और मैं उसी कढ़ाई में निकाल रही हूँ जिसमें मुझे घी बनाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी क्वांटिटी में मक्खन बनकर तैयार हुआ है। तो इस प्रोसेस से अगर आप घी बनाएंगे तो काफ़ी क्वांटिटी में बन जाता है ये। तो इसे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद गैस पर रख दूँगी घी बनने के लिए। देखा कि मैंने सिर्फ 8 दिन की मलाई में इतना सारा मक्खन बनाया है, और मक्खन जितना ज़्यादा होगा घी भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, तो काफ़ी क्वांटिटी में इससे जो है घी बन जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अभी इसे मैं बॉईल होने दूंगी और बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा घी बनने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी बनकर तैयार हो चुका है, अलग ही ऊपर घी दिखने लगा है। तो बस अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे जो है मैं छान लूंगी। तो उसके लिए मैं लूंगी एक स्टील की छन्नी, और मैं जो है एक बाउल लूंगी, तो इसमें चम्मच से लेकर छानती जाऊंगी घी को, क्योंकि घी अभी काफ़ी गर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने घी को छान लिया है, और ये कितनी क्वांटिटी में निकला है। पहले जिस बाउल में मैं छान रही थी सो उसमें घी नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने दूसरा बाउल लिया था।
ये वाला बाउल था जिसमें मुझे छानना था घी, लेकिन घी ज़्यादा था तो नहीं आ पाया था इस बाउल में, तो फिर मैंने बड़ा बाउल ले लिया था और उसमें घी को छान लिया है। तो घी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में निकला है ये, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में घी बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से। तो बस अभी इसे मैं कुछ टाइम के लिए ठंडा करूँगी, उसके बाद इसे कंटेनर में भर के रख दूँगी। तो घी बनकर तैयार हो चुका है और मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से मैं घी बनाती हूँ और 8 दिन की मलाई में मैं कितनी क्वांटिटी में घी बना लेती हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से ट्राई नहीं किया है कभी तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और बस अपने इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन बटन, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर।